नमस्कार दोस्तों स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में झारखंड बोर्ड एग्जाम के वीकली टेस्ट के साइंस क्वेश्चन के आंसर की को डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये आंसर की फाइनल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा और आपको बहुत ही हेल्प करेगा तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन को देखिए क्वेश्चन नंबर वन में लिखा गया है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ फोकस दूरियां दिया गया है माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवत है तो दोस्तों एप बराबर माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर है अर्थात अवतल लेंस होगा अवतल लेंस होगा अर्थात कनकेप लेंस होगा और कनकेप मिरर होगा अर्थात दोनों अवतल होगा तो ऑप्शन ए होगा राइट right आंसर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू को देखिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने टेन सेंटीमीटर पर रखा है जबकि दर्पण की फोकस दूरी ट्वेंटी सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब बनेगा तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं डिस्कस करते हैं एक अवतल दर्पण गिवेन है दोस्तों एक अवतल दर्पण है तो देखिए ये मुख्य अक्ष है ये P है और ये F है तो दोस्तों F का मान 20 सेंटीमीटर है और एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है अर्थात ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ पर होगा F और P के बीच होगा मैंने यहाँ से एक किरण निकाला जो किरण निकाला वो परावर्तन के बाद दोस्तों किरण ऐप से होकर गुजरती है याद रखिएगा तो दोस्तों और एक मैंने किरण निकाला यहाँ से तो ये परावर्तन के बाद यहाँ से होकर गुजरेगी तो दोस्तों देखिए ये जो दो लाइन है ये कभी नहीं मिलेगा लेकिन पीछे मिल सकता है तो दोस्तों इसको मैंने पीछे तक बढ़ाया इस इस किरण का भी पीछे से बढ़ाया तो दोस्तों यहाँ पर एक इमेज बनेगा अर्थात ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा देखिए बड़ा बना लेकिन आभासी बना बड़ा बना और आभासी बना दोस्तों याद रखिएगा जो वर्चुअल होता है अर्थात जो आभासी होता है वो सीधा होता है हमेशा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा अर्थात आभासी होगा सीधा होगा और बड़ा होगा देखिए ये बड़ा इमेज है

अवतल दर्पण है तो दर्पण में जो आवर्धन होता है दर्पण में जो आवर्धन होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस भी बटे यू होता है माइनस भी बटे यू होता है तो दोस्तों देखिए वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक जो रियल होता है वो उल्टा होता है हमेशा तो एम का मान दोस्तों एम का मान गिवन है माइनस थ्री औ, और अवतल दर्पण अपने सामने टेंशन दूरी रखे किसी वस्तु का अर्थात U का मान U का मान तो माइनस होगा क्योंकि दर्पण है तो द, अवतल दर्पण है तो माइनस होगा टेन सेंटीमीटर तो दोस्तों M का मान है माइनस थ्री और माइनस हमें भी का मान निकालना है भी का मान हमें निकालना है तो दोस्तों माइनस भी बटे यू होता है और यू का मान दोस्तों है माइनस दस तो भी का मान माइनस भी का मान हो जाएगा 30 30 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर तो एम का एम का फॉर्मूला याद रखिएगा माइनस वी वटे यू होता है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा गया है कांच का अपवर्तनंग वन पॉइंट है और हवा में प्रकाश की चाल 3 इंटू टेन की पावर 8 मीटर पर सेकंड है तो कांच में प्रकाश की चाल होगी तो दोस्तों फॉर्मूला को याद रखिएगा अपवर्तनांक का फॉर्मूला अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है दोस्तों अपवर्तन का फॉर्मूला को याद रखेगा वायु में प्रकाश की चल अर्थात सी बटे भी होता है अर्थात वायु में प्रकाश की चल या फिर निर्वात में प्रकाश की चल बटे माध्यम में प्रकाश की चल तो दोस्तों अपवर्तन का मान दिया गया है 1.5 गिवन है 1.5 तो और हमें व्ही निकालना है और सी अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल तो होता है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकंड होता है बटे हमें वी का मान निकालना है तो देखिए इस पॉइंट को मैंने कैंसिल किया तो थ्री के साथ एक जीरो ऐड हो जाएगा तो पंद्रह दूनी तीस होता है अर्थात अर्थात इसका राइट right आंसर हो जाएगा टू इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टू इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं दोस्तों लेंस के मैंने एक लेंस बनाया तो लेंस के जो केंद्रीय बिंदु होता है दोस्तों लेंस का के जो केंद्रीय बिंदु होता है उसे प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं देखिए एक लेंस की क्षमता माइनस टू पॉइंट फाइव डी है अर्थात डायप्टर है यह लेंस होगा तो दोस्तों माइनस 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 में है अर्थात अवतल लेंस होगा क्वेश्चन नंबर सेवन को देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया कहलाती है अम्ल और क्षारक के बीच के अभिक्रिया, अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है दोस्तों याद रखिएगा अम्ल प्लस क्षारक लवण और जल बनाता है जब अभिक्रिया करता है अम्ल प्लस क्षारक तो लवण और जल बनता है तो दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं एन ए एन ए एक है, और एच सी एल एक अम्ल है जब अभिक्रिया करती है तो एन ए सी एल बनता है प्लस एच टू ओ बनता है तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट को देखिए कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है तो एच सी एल के सी एल ए जी सी एल या एन ए सी एल तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए जी सी एल अर्थात सिल्वर क्लोराइड तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन को देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है दोस्तों दीवारों पर सफेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है सी ए ओ एच होल्ड ट्वाइस याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन को देखिए क्वेश्चन नंबर टेन जेट एन ओ प्लस सी एक अभिक्रिया दिया गया है जेट एन प्लस सी ओ में किसका उपचयन होता है दोस्तों दोस्तों उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना याद रखिएगा उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन गुणन का जुड़ना और अपचयन दोस्तों ये उपचयन है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ह्रास होना ऑक्सीजन का ह्रास होना तो यहाँ पर उपचयन लिखा है तो देखिए किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है दोस्तों देखिए यहां पर सी है यहां पर CO हो गया है C था CO हो गया तो ऑक्सीजन जुड़ा है अर्थात C हो जाएगा राइट आंसर C के साथ उपचयन हुआ है तो ऑप्शन B होगा राइट आंसर ऑप्शन B होगा राइट आंसर C के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए C का उपचयन हुआ है तो ऑप्शन B होगा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्वेश्चन नंबर 11 किस जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है शोषण पाचन उत्सर्जन या संग बहन इसका राइट आंसर शोषण शोषण में है शोषण में हमें ऊर्जा मिलती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व प्रकाश संश्लेषण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है जल की आवश्यकता होती है सीओ अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है क्लोरोप्लास्ट अर्थात क्लोरोफिल क्लोरोफिल में होता है क्लोरोप्लास्ट दोस्तों पत्ते का जो हरा रंग होता है तो क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट की भी आवश्यकता होती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होती है तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा राइट आंसर ऑप्शन सी तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है टाइलिन पेप्सिन ट्रिप्सिन लाइपेज इसका राइट आंसर दोस्तों टाइलिन होगा लार में टाइलिन पाया जाता है एंजाइम तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को देखिए पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है दोस्तों याद रखिएगा पादप में जाइलम जल का वहन करता है दोस्तों जाइलम जल का वहन करता है और फ्लोएम फ्लोएम अर्थात फूट तो फ्लोएम भोजन का वहन करता है याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन को जल का वहन जाइलम करता है और फूड अर्थात खाद्य पदार्थ का भोजन का फ्लोएम बहन करता है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर को देखिए क्वेश्चन नंबर में लिखा गया है होगा, right दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन को देखिए अंतिम क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है दोस्तों ब्रिक अर्थात किडनी स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी कहा जाता है अर्थात उत्सर्जन तंत्र ऑप्शन सी होगा राइट right आंसर तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन तो दोस्तों वीडियो को वीडियो को लाइक करिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल में